नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों मैं बता दूं, आज का जो युग है, वर्तमान युग, वो कंप्यूटर का युग है। और इसमें हम चेक करते हैं कि नरेगा जो श्रमिक का पैसा आया या नहीं आया, हाउ टू चेक नरेगा लेबर पेमेंट। दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि श्रमिक कभी अपने पैसों के लिए ग्राम पंचायत में जाता है, कभी पंचायत समिति में जाता है, कभी जिला परिषद के माध्यम से वो शिकायतें वगैरह करता रहता है, और उसकी फिर भी उसकी समस्या का निस्तारण नहीं होता कि उसका पैसा आया या नहीं आया। तो आज दोस्तों मैं सिंपल आपको प्रोसेस बताऊंगा, जिसमें आप घर बैठे अपना पैसा जो नरेगा है, नरेगा के पैसों का घर बैठे आप पता कर सकते हैं कि आपके खाते में वो पैसे गए या नहीं गए। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं सिंपल प्रोसेस के माध्यम से। दोस्तों मैं बता दूं, सबसे पहले आपको नरेगा आपको गूगल पे लिखना है, चाहे कोई सा भी आप ब्राउजर यूज लेते हो उस पे जाइए, और सबसे पहले उसमें नरेगा या nrega.nic.in आप वहाँ पे लिखें, और इस पे बाद में गो पे क्लिक कर दीजिए या सर्च पे क्लिक कर दीजिए। आप nrega.nic.in जैसे ही लिखेंगे तो इस प्रकार से आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी इस प्रकार से। यहाँ दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे पूरा जो है पूरी विंडो ओपन होगी। इसमें यहाँ पे जो है ओल्ड वर्जन के नाम से एक स्क्रीन दे रखी है, इस पे अपने को क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, जो 15 साल लिखा हुआ है यहाँ पे ओल्ड वर्जन का दे रखा है, इस पे अपने को क्लिक करना है। जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नई विंडो अपने पास ओपन होगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के आपको ऑप्शन यहाँ पे विकल्प मिलेंगे, जिसमें बाई साइड में यहाँ पे, जी दोस्तों बाई साइड में मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ ब्लू कलर में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बाई साइड में ग्राम पंचायत का ऑप्शन आपको मिलेगा, ग्राम पंचायत का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। जैसे ही ग्राम पंचायत पे दोस्तों अपन क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नई विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जिसमें अपने को यहाँ पे पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत या मंडल और जिला पंचायत का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। तो हम यहाँ पे जो ग्राम पंचायत का जो ऑप्शन है जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की एक नई विंडो यहाँ पे ओपन होगी, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें डेटा एंट्री, जनरेट रिपोर्ट, ऑथराइज वेज लिस्ट बाई पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर या पंचायत सेक्रेटरी, सेंड वेज लिस्ट टू बैंक पोस्ट ऑफिस बाई ग्राम प्रधान या प्रेसिडेंट। तो अपने को यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से अपने को जिला पूछा जाए, अपने को राज्य पूछा जाए कि कौन सा आपका राज्य है। जैसे ही राज्य पे अपन क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं राजस्थान को यहाँ पे चुन लेता हूँ, जैसे ही राजस्थान पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे एक नई विंडो ओपन होने जा रही है। इस प्रकार की एक नई विंडो यहाँ पे ओपन होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही दोस्तों इस प्रकार से एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें सबसे पहले अपने को फाइनेंशियल ईयर चूज करना है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में आपने काम किया था। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 18-19 यहाँ पे जो सेलेक्ट कर लेता हूँ, 18-19 में काम किया था, डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। बाद में सबसे पहले तो आपको जो वो साल चुननी है जिसमें आपने काम किया है, इसके बाद में वो जिला चुनना है जिसमें यहाँ पे आपने काम किया, तो मैं टोंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। या दोस्तों इसके बाद में ब्लॉक, आपका ब्लॉक कौन सा है, टोंक में देवली है, मालपुरा है, निवाई है, टोंक है या उनियारा है, तो मैं टोंक यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाद में अपने को पंचायत टोंक में कौन सी, टोंक जिले में, टोंक ब्लॉक में कौन सी पंचायत वो सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे गलोद पंचायत है वो यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में प्रोसीड पे यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जॉब कार्ड, रजिस्ट्रेशन, इरेगुलेशन एनालिसिस, आईपीपीई, डिमांड अलोकेशन, मस्ट्रोल, रजिस्टर और वर्क का आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों R3 वर्क्स के नाम से, जिसमें आपको कर्सर दिखाई दे रहा है उसमें कई सारे ऑप्शन हैं, जिसमें वर्क एक्सपेंडिचर है, एम्प्लॉयमेंट एग्जास्टेड फॉर वर्क है और कंसोलिडेट रिपोर्ट ऑफ पेमेंट टू वर्कर। यहाँ पे जो कंसोलिडेट रिपोर्ट जो आपको
येलो कलर में दिखाई दे रहा है, इस पे अपने को क्लिक करना है कंसोलिडेट रिपोर्ट और पेमेंट टू वर्कर। इस पे जैसे ही दोस्तों इस क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपने एक नई विंडो यहाँ पे ओपन होगी सर्च होने के बाद में। इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार से एक नई विंडो यहाँ पे ओपन होगी जिसमें कंसोलिडेट रिपोर्ट और पेमेंट टू वर्कर जो है गलोद पंचायत का यहाँ पे अपने को दिखाई देगा, जिसमें आप अपने नाम से जैसे कि गीता ने यहाँ पे कौन से काम पे काम किया है, कितने दिन काम किया है और उसके पैसे कितने हैं। इसी प्रकार जो छोंगा है कि इसने दो कामों पे यहाँ पे जो एक तो सार्वजनिक नाड़ा पुरेडा रोड पे किशनपुरा में मॉडल तालाब है उसमें काम किया है, दूसरा सार्वजनिक नाड़ी झुमारिया पर मिट्टी कार्य किशनपुरा में काम किया है, एक में 21 दिन काम किया है, एक में 16 दिन काम किया है, एक के जो है 1989 रुपए और एक के 1952 रुपए इसको यहाँ पे मिले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आपका पेमेंट आसानी से देख सकते हैं। आपको नए तो जिला परिषद, नए पंचायत समिति और नए ही ग्राम पंचायत ऑफिस जाने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आप आसानी से घर बैठे आप अपना पेमेंट चेक कर सकते हैं बाय नेम से, नाम के माध्यम से, जिसमें नए कोई आपको जॉब कार्ड नंबर चाहिए, नए कोई और आइडेंटिटी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बता देता हूँ, आप घर बैठे आसानी से पेमेंट चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है शॉर्ट में। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एक गूगल ब्राउजर खोल लेते हैं। इसमें narega.nic.in अपन लिखेंगे और गूगल पर सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो जो ऊपर ही ऊपर का ऑप्शन है MG नरेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे एक ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें ओल्ड वर्जन बाई साइड दाई साइड दे रखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो यहाँ पे इस प्रकार से ओपन हो। इसमें जो है बाई साइड पंचायत GPPS और GZP का यहाँ पे सिंबल दे रखा है, उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ग्राम पंचायत पे क्लिक करेंगे, बाद में जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो अपने को अपना जो है स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने राजस्थान यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही राजस्थान पे क्लिक किया तो एक नेक्स्ट यहाँ पे जो विंडो ओपन होगी वो इस प्रकार से होगी दोस्तों। इस प्रकार से नेक्स्ट विंडो ओपन होगी जिसमें अपन फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे 19-20 डिस्ट्रिक्ट वार सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि अपना टोंक डिस्ट्रिक्ट है तो टोंक यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि थोड़ा सा वेट करते हैं, इस पे जो डिस्ट्रिक्ट आ गया, जैसे कि इस पे टोंक सिलेक्ट किया, इसके बाद में अपन ने अपना जो ब्लॉक है टोंक में कौन सा है वो यहाँ पे से सिलेक्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू से टोंक सिलेक्ट किया, पंचायत सिलेक्ट करेंगे कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में टोंक के टोंक ब्लॉक में अपनी जो पंचायत है वो गलोद अपन ने यहाँ पे सिलेक्ट की और प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक किया तो एक नई विंडो ओपन होगी इस प्रकार से। इस प्रकार से जिसमें विभिन्न ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें जो नीचे के नीचे ऑप्शन है वर्क्स का, इसमें कंसोलिडेट रिपोर्ट और पेमेंट टू वर्कर जो येलो कलर में साइन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो नरेगा जो श्रमिक हैं उनके जो गलोद पंचायत के उनके यहाँ पे पेमेंट्स की अपने को डिटेल दे रखी है कि किसके खाते में किस काम से कितने रुपए गए और किस किसने किस काम पर कितने दिन काम किया है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार से आसानी से चेक कर सकते हैं अपने पेमेंट आपके खाते में आया या नहीं आया। इस प्रकार दोस्तों, न तो आपको ग्राम पंचायत ऑफिस में विजिट करने की आवश्यकता है, न ही पंचायत समिति में। आप घर बैठे मोबाइल से या कंप्यूटर से अपना पैसा चेक कर सकते हैं। दोस्तों अपने श्रमिक भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपना पैसा घर बैठे चेक कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना कहीं गए, और इसमें अपने जॉब कार्ड और अन्य डिटेल की भी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। आप बाय नेम नाम जो अपना नाम है उसके माध्यम से भी यहाँ पे पैसा सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेबर भाइयों के साथ जो श्रमिक भाई हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, कमेंट करें और आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।